डिंडोरी में केवीसी स्पर्धा हुई आयोजित। कलेक्टर ने बच्चों को हॉट सीट पर बैठाकर पूछे सवाल। दो ने जीते 1500 रुपये। डिंडोरी में रविवार को समनापुर जनपद मुख्यालय मैदान में जिला प्रशासन ने शासकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के बीच कौन बनेगा करोड़पति प्रतियोगिता का खेल खेला। कलेक्टर बच्चों से सवाल करते हुए नजर आए। प्रतियोगिता में 12 छात्र छात्राओं का चयन किया गया। कलेक्टर ने बच्चों को हॉट सीट पर बैठकर सवाल पूछे। इसमें दो बच्चों ने 1500 रुपये जीते हैं। मैदान में इस प्रतियोगिता को देखने के लिए बड़ी स्क्रीन लगाई गई थी, जहां अमिताभ बच्चन की तरह कलेक्टर विकास मिश्रा हॉट सीट पर बैठे हुए बच्चों से प्रश्न करते नजर आए। पहला सवाल 100 रुपये से शुरू किया गया। अंतिम प्रश्न 2000 रुपये तक पूछा गया था। समनापुर जनपद मैदान में आयोजित कौन बनेगा करोड़पति प्रतियोगिता में 12 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। इनसे हॉट सीट पर बैठाकर कलेक्टर विकास मिश्रा ने शासकीय योजनाओं और सामान्य जानकारी के प्रश्न पूछे, जिनमें छात्र अंकित ध्रुवे और गोकुल सिंह ठाकुर ही 1500-1500 रुपये तक जीत सके। सोनाली एक का 700 रुपये, धारणा उइके 200 रुपये, दिलीप मार्को 200 रुपये, दीपक पांडे 200 रुपये, दीपिका शर्मा 0, अनीसा मरकाम 500 रुपये, कीर्ति मरावी 700 रुपये, दीपक दुर्वासा 500 रुपये, संयूरी सोनी 1000 और नंद ने 300 रुपये जीते। प्रतियोगिता में शामिल हुई छात्रा कीर्ति मरावी और सोनाली एक्का का कहना है कि पहली बार ऐसी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है, इससे पहले किसी ने ऐसे सवाल हमसे नहीं पूछे। पहली बार में थोड़ी झिझक थी, लेकिन अब तैयारी करेंगे, प्रश्नों का जवाब भी सही तरीके से देंगे। ऐसी प्रतियोगिताओं का आयोजन होता रहना चाहिए। मैंने केवीसी के एग्ज़ाम में पास किया 14 अंकों से, और यहाँ पे आके मैंने केवीसी एग्ज़ाम दिया तो यहाँ पे मैंने 1500 रुपये जीते 7वें प्रश्न तक आके, और 8वां प्रश्न मेरे को मालूम नहीं था, मैंने पढ़ा नहीं तो मेरे को मालूम नहीं, और कल से मेरे को मालूम भी हो गया। अब आज से और मेहनत करूँगा और दूसरी बार के लिए कोशिश करूँगा। हर तरफ हर क्षेत्र में होनी चाहिए ये कार्यक्रम। ये मेरे को बहुत खुशी है कि ये कार्यक्रम सबसे फर्स्ट अपने समनापुर ब्लॉक में हुआ। मेरा नाम सोनाली का है। बहुत अच्छा लगा मेरे को यहाँ आके, मतलब मैं नहीं सोची थी कि मेरा सिलेक्शन ऐसे हो जाएगा करके, पर मेरा सिलेक्शन हुआ, उसमें भी मेरे को खुशी है। मैं यहाँ आके खेली तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जिला प्रशासन द्वारा आयोजित इस कौन बनेगा करोड़पति प्रतियोगिता में केवल शासकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को ही शामिल किया गया था। कलेक्टर विकास मिश्रा का कहना है कि इस जिले में बहुत सारी प्रतिभाएं छुपी हुई हैं, बस उन्हें खोजना बाकी है। क्योंकि भारत सरकार ने गुड गवर्नेंस वीक डिक्लेयर किया था, तो हमने गुड गवर्नेंस को नए ढंग से लागू करने के लिए, ताकि बच्चे जानें कि गवर्नमेंट की स्कीम्स क्या हैं, तो एक नए ढंग से एक कार्यक्रम का आयोजन किया था। सारे प्रश्न जो है वो गुड गवर्नेंस संबंधित थे। निश्चित रूप से बच्चों ने जो आज इनाम जीते हैं, कुछ बच्चे कम भी जीत पाए होंगे, वो जाके जरूर पढ़ेंगे लौट के। मैं चाहता हूँ कि सरकार की योजनाएं वहाँ तक पहुँचे जिनको लाभ मिलना है, ताकि यदि हमारा कोई अधिकारी कर्मचारी चाहे भी तो वो दुरुपयोग ना कर पाए, जिसका जो हक है उसको मिले, और गवर्नेंस वहाँ तक पहुँचे जहाँ तक उसे पहुँचना चाहिए। सबको साथ, सबका साथ मिले, सबका विकास हो, हर आदमी आगे बढ़े और वो एक बेहतर भारत बनाए और बेहतर नौकरी खड़े करें। अलग अलग विकासखंडों में अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं, अगली बार कुछ और करेंगे, क्योंकि देखिए अगली बार अगर सेवा से ही करेंगे तो उतना मज़ा नहीं आएगा लोगों को। अगली बार हम कुछ और करने वाले हैं, थोड़ा धैर्य रखिए, कुछ सीक्रेट भी है उस चीज़ का।